हाय एवरीवन। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे बिहार की क्लाइमेट के बारे में। देखिए, बिहार का जो क्लाइमेट है उसमें हार्ड से हार्ड 5 से 10 मिनट में पूरा का कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें उतना ही पढ़ना होता है। पूरे इंडिया लेवल का तो हम क्लाइमेट पढ़ते नहीं हैं, तो बिहार के लेवल से जो भी पूछता है, जैसे कि बिहार में जो रेनफॉल है वो किस साइड से होता है, हमारा क्या उसका इम्पैक्ट होता है, प्लस में अलग अलग जोग्राफर्स ने अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन दिया है, दुनिया को अलग अलग रीजन्स में बांटा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो वो नेमिंग कन्वेंशंस क्या होता है वो देखना होता है। प्लस अलग अलग जो सीज़न होते हैं, ये बिहार में ड्राई हो गया, विंटर हो गया, रिट्रीटिंग मानसून, अलग अलग चीज़ें, तो बस बेसिकली वो देखना होता है। लेकिन सिर्फ ये देखने से बात नहीं बनेगा, क्योंकि ये टॉपिक हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है, हाईली कंसेप्चुअल है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको इंडिया लेवल का क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, तभी जाके आप इसको रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे कि बिहार में कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, बिहार के जो क्लाइमेट के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इंडिया लेवल का थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि आखिर हमें क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना क्या होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अगर हम पूरे क्लाइमेटोलॉजी की बात करें ना, तो दो चीज़ आप याद रखिएगा, क्लाइमेटोलॉजी हम डील कर रहे हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें हो रही है ना, हलचल, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चाहे जैसे हमारा विंड का फ्लो हो गया एटमॉस्फेयर में, अलग अलग हमारे ज्योग्राफिकल फीचर जो हो रहे हैं, जैसे कि आपने कई बार नाम सुना होगा जेट स्ट्रीम का, नाम सुना होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, नाम सुना होगा साइक्लोन हो गया, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, लोकल विंड्स हो गया, जैसे कि हमारा वार्म लोकल विंड्स होता है, कोल्ड लोकल विंड्स होता है, प्लस अलग अलग रीजन्स में कहीं डेजर्ट बन जाता है, कहीं उसके अपोजिट साइड में हमारा एकदम लश ग्रीन होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप होते हैं। वो सारी चीज़ें वो डिपेंड करती हैं दो तीन चीज़ों पे। क्लाइमेटोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारा होता है थर्मल डिफरेंस, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस, और वो कहाँ होगा, तो वो बेसिकली हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में लैंड है और वाटर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंशियल हीटिंग होगा ना, इसके कारण ही सारा खेला होता है। अब इनके कारण जो भी मूवमेंट हमारा एयर का होगा, उसके बाद सेकंड जो है, जो मेन प्ले रोल प्ले करता है, वो होता है फिजिकल फीचर्स। कहीं रेंजेज हैं क्या, कहीं पहाड़ हैं क्या, कहीं कहो काफ़ी एलिवेटेड हमारा रेंज है, जैसे कि वेस्टर्न घाट थोड़ा सा एलिवेटेड है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, है ना, तो ये एक अलग डिफरेंस पैदा कर देती है। तो ये फिजिकल फीचर्स और थर्मल वेरिएशन प्लस अपारेंट मूवमेंट ऑफ द सन, जो हमारा सन जो है ना, वो जैसे जैसे मूव, जैसे कि हमारा धरती मूव कर रहा है, तो सन का लोकेशन जैसे जैसे हमारा अलग अलग जगहों पे अलग अलग पड़ेगा, तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये दो तीन चीज़ें मेन हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोरियोलिस फोर्स हो गया, और आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ का जो हमारा मेन, उसका भी इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उतना डिटेल में ना जाते हुए पहले हम देख लेते हैं सिंपली कि हमें क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें क्लाइमेटोलॉजी की, तो इसमें हमें देखना होता है इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना होता है। इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प जीएस पेपर में भी आपको हेल्प कर देगा। वो अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया कि हमारा अभी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी 4 से 5 बिलियन ईयर्स एगो वो था प्राइमरी एटमॉस्फेयर, जो कि प्रीमोर्डियल मैटर था। प्रीमोर्डियल मैटर वो क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारा सूर्य से सन सन के कारण जो था ना एटमॉस्फेयर, उसका जो मैटर के कारण था वो था हमारा प्राइमरी। अभी तो डेराइव्ड है हमारा, ये सेकेंडरी इन्वायरमेंट है, ये एटमॉस्फेयर है। फिर क्लाइमेट एंड वेदर में क्या डिफरेंस होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है कि इकोनॉमिक डेटा को हम रीड करते हैं और फिर एक फोरकास्टिंग करते हैं। फिर इंसुलेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है तो वो शॉर्ट वेव में होता है, और जब धरती से टकरा के वापस लौटता है तो वो हमारा लॉन्ग वेवलेंथ हो जाता है। तो मेनली ट्रोपोस्फेयर में जो है ना, हमारा हीटिंग उसी लॉन्ग वेवलेंथ से होता है, जो रेडिएशन जो हमारा टकरा के वहाँ वापस लौटता है ना उससे, तो ये होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। फिर हमारा विंड सिस्टम होता है कि विंड सिस्टम कैसे हमारा फ्लो, अगर लो लेवल पे फ्लो कर रहा है, हाई लेवल पे फ्लो कर रहा है, सी से लैंड में, लैंड से सी में फ्लो कर रहा है, कारण क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं। लोकल विंड हो गया, फिर लोकल विंड में भी वार्म लोकल विंड होता है, फिर कोल्ड लोकल विंड होता है, जैसे इंडिया में बात करें तो लू हो गया, नॉर्वेस्टर हो गया, फिर काल बैसाखी वगैरह हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें। अगर और अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे तो पैम्पेरो हो गया, ब्लिजार्ड हो गया, फाइन आ गया, अलग अलग विंड्स होते हैं, ये सब हमें देखना होता है। प्लस क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन होता है कि कौन से जो क्लाउड हैं वो ज़्यादा हमारा
रेनफॉल करते हैं, कारण क्या है, फ्रंटल फ्रंट कैसे बनता है, कोल्ड एयर एंड वाटर, कोल्ड एयर एंड वार्म एयर कैसे मिलता है, तो हमारा जेट स्ट्रीम फॉलो, जेट स्ट्रीम बनाता है, वो भी हमारा फ्रंटल रेनफॉल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये क्लाउड प्रेसिपिटेशन हो गया, प्लस एयर मासेस क्या होता है, एयर पॉकेट्स कैसे बनता है, वो हमें देखना होता है। फिर साइक्लोन्स हो गया, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, वो कितने लैटिट्यूड पे निकलते हैं, है ना, क्योंकि इक्वेटर पे हमारा साइक्लोन नहीं मिलता है 0 से 10 डिग्री तक। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि कोरियोलिसिस फोर्स वहाँ होता ही नहीं है। 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री ट्रॉपिकल होता है और फिर 30 से 45 तक टेम्परेट साइक्लोन होता है। तो इनका कारण क्या है, कौन ज़्यादा डिवेस्टेटिंग होता है, कौन ज़्यादा डिस्ट्रक्टिंग होता है, वो हमें देखना होता है। प्लस में हीट बजट क्या है, कैसे इंडिया पूरे वर्ल्ड का बात करें तो कहीं कोल्ड डेजर्ट है कहीं पे हमारा, कहीं पे वार्म डेजर्ट है, कहीं पे हाईएस्ट रेनफॉल हो रहा है, कहीं पे सूखा है, तो हीट बजट क्या है, हम बजट क्या होता है बेसिकली, कितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन भी बात करते हैं, कितना हमको एनर्जी गेन हुआ है, कितना एनर्जी लॉस हुआ है, वो चीज़ें हम देखते हैं। हीट बजट हो गया, फिर फ्रंटल लासेस हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट हो गया, कैसे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। फिर अलग अलग जोग्राफर्स आते हैं, वो जो है पूरे वर्ल्ड को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करके उनको उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक नाम देते हैं, तो वो हमें देखना होता है, ये चीज़ें हमें पढ़ना होता है। लेकिन ये पूरा हमारा वर्ल्ड लेवल पर भी होता है और इंडिया लेवल पर भी होता है, तो ये हम पूरा अभी तो देख पॉसिबल तो है नहीं देखना, अभी आपको बस ग्लिम्स दिया है कि हम क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया लेवल पर सीधा आते हैं, इंडिया लेवल पर हम बात करेंगे तो यहाँ भी बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, लेकिन एक चीज़ हमारे लिए जो काम का है, जिसको हमको देखना होगा, जो हमारा बिहार से कनेक्टेड है, वो है मानसून। हम बस अभी इंडिया लेवल पर देखते हैं मानसून कैसे होता है, अगर हम ये समझ लेंगे तो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा आपका बिहार का पूरा क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें इंडियन मानसून की बात करें, तो देखिए इंडियन मानसून होने के लिए सबसे पहले जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, वो पूरे इंडिया के ईयर को, एक साल को 4 क्लाइमेट में डिवाइड करता है। वो अकॉर्डिंग टू IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, 4 तरह के सीजन है हमारे इंडिया में। वो कौन कौन से हैं, एक हमारा हॉट ड्राई समर है, ठीक है ना, हॉट ड्राई समर है जो कि मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद हमारा आता है साउथ वेस्ट रिटेटिंग, साउथ वेस्ट मानसून आता है जो प्रोग्रेसिव होता है। ये एक ही साथ पूरे इंडिया में मानसून नहीं होता, ये प्रोग्रेसिव होता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव मानसून, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं बताता हूँ वो भी अभी। फिर रिटेटिंग मानसून होता है कि वर्षा हो गया तो वो वापस भी लौटेगा, ठीक है ना, तो वो रिटेटिंग मानसून का फेज़ क्या होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ फीचर्स हमारे होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं। फिर हमारा होता है ड्राई विंटर यानी कोल्ड ड्राई विंटर। तो बेसिकली हमारा ये 4 तरह का सीजन इंडिया में है अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्लियर है। अब हम देखते हैं मानसून के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा हॉट ड्राई समर सीजन है ना, वो अगर हम हॉट ड्राई समर सीजन की बात करें तो ये हमारा कहाँ से कहाँ आता है, मार्च से लेके मई तक आता है। अब इसमें होता क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप चीज़ों को देखिएगा, जो हमारा सन का जो पोजिशन है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है, समझिएगा। ये जो हमारा यहाँ मान लीजिए इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, और ये इसके ऊपर हमारा यहाँ पे धरती, हमारा जो इंडिया है ये। अब होता ये है समर सीजन में कि हमारा, आपने 2 टर्म सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे जो हमारा एक लेटिट्यूड पास होता है, वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आप इसको यहाँ देखें ऐसे ऐसे, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, ठीक है, ये 23 डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री। और वही साउथ में अगर बात करेंगे उतना ही नीचे, तो वो हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो होता ये है कि समर में हमारा जो सूर्य का जो लोकस है, हमारा सन का जो पोजीशन है ना, वो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। अब जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा हाई हीट जो हमारा होता है ना, इसी रीजन पर फॉलो करता है। अब इस रीजन पर जब फॉलो करेगा तो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो यहाँ की धरती थोड़ी गर्म होगी, गर्म होगी तो वहाँ का हवा जो है ऊपर उठेगा। तो याद रखिएगा, पूरे क्लाइमेटोलॉजी में जहाँ भी टेम्परेचर हाई होगा, वहाँ का प्रेशर लो हो जाता है। टेम्परेचर जहाँ भी हाई होगा, प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि हवा ऊपर उठ गया, वहाँ पर नीचे एक वैकम हो गया, तो वो लो प्रेशर एरिया हो गया, उसको भरने के लिए आसपास के मैदानों से या फिर सराउंडिंग से हवा जो है बह के उसको फिल करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे ही हमारा सन का मूवमेंट नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि मान लीजिए विंटर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन है, तो जैसे जैसे वो समर में आगे बढ़ते 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 ऊपर जाता है, तो ड्यू टू अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, एक हमारा होता है ITCZ, याद रखिएगा ITCZ,
इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ। ठीक है, तो ये ITCZ जो है ना, ये हमारा फ्लक्चुएट करते रहता है सन के मूवमेंट के कारण। अगर सन ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, सन नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसको इसीलिए बोलते हैं, सन के मूवमेंट के कारण एक लो प्रेशर जोन हमारा क्रिएट होता है। तो जहाँ पे ITCZ जाएगा वहीं पे सारा विंड सिस्टम, प्रेशर बेल्ट वगैरह शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसी के मूवमेंट के कारण हमारा जो है ना, समर सीजन भी होता है, विंटर सीजन भी होता है इंडिया में, मानसून वगैरह भी होता है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं समर का। समर में क्या होता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमारा सन आ गया। अब टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन आ गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा क्या, गर्मी हो गया। गर्मी हो गया तो हवा ऊपर उठा, वहाँ पे इंडिया वाले रीजन में क्या हो गया, आपको एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। अब जब लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है तो कंपेरेटिवली साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो इंडियन ओशियन से यहाँ से आपको जो हवा जो है ना, वहाँ से उठता है और इस जगह को फिल करने के लिए कोशिश करता है, इसको फिल करने के लिए, इस वाले इंडिया पे जो डेवलप होता है। इसी क्रम में क्या होता है कि पहले वो इधर से इधर, यानी कि ऐसे इसका डायरेक्शन होता है यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये यहाँ से हवा लेके उठा, हवा जो है चल रहा है और मॉइस्चर कंटेंट को ले लिया, और मॉइस्चर कंटेंट लेने के बाद वो इक्वेटर तक यहाँ से ऐसे आया आया, और जैसे ही इक्वेटर को वो क्रॉस करेगा, इक्वेटर को जैसे ही वो क्रॉस करेगा, इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे हमारा बदल जाता है, साउथ वेस्ट में बदल जाता है। अभी क्या था ये, अभी हमारा ये साउथ ईस्ट था, अब साउथ ईस्ट से इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है ना, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। अब इस रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण इसका जो मोमेंट है वो साउथ वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ से जो हवा को, वो हवा जो बह रहा है वो मॉइस्चर कंटेंट लेता हुआ आगे बढ़ा, और यहीं पर जून में वो स्ट्राइक करता है। इस जून में यहाँ पे स्ट्राइक करेगा आपको, इस कोस्ट पे, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे, जो हमारा साउदर्न पेनिनसुला है ना, वहाँ पे यह मानसून स्ट्राइक करता है। अब स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, यही चीज़ यहाँ से अब मेन शुरू होगा आपका इंडियन मानसून। क्योंकि अभी भी समर है ना, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो चुका है काफ़ी भयानक वाला। तो अब यहाँ से जो हमारा इंडियन ओशन से पानी लेके गया है ना, हमारा साउथ ईस्ट मानसून था, इक्वेटर क्रॉस किया, वो साउथ वेस्ट मानसून हो गया, अब यहाँ पे आएगा। तो अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक हमारा है वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे, और इधर ईस्टर्न घाट्स से। हमें पता है कि वेस्टर्न घाट्स बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट में काफ़ी ज़्यादा हमारे रेंजेज हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियों का, नीलगिरी हो गया, अनाईमुदाई हो गया, अनाईमलाई हो गया। तो अनाईमलाई यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुदाई है। अब यहाँ जो है ना, टकराने के बाद, अब यहाँ जो आता है मानसून, यहाँ पे आने के बाद वो टकराता है, इस बैरियर से टकराता है, और टकराने के बाद कुछ हद तक ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से ऐसे स्प्लिट होकर बे ऑफ बंगाल साइड में एंट्री करता है, और कुछ जो है वो इसी इसी बैरियर के अलॉन्ग होते होते इधर से इंटर करता है आपको इस साइड तक। ठीक है ना, ऊपर नॉर्दर्न इंडिया तक मूव करता है ऊपर। अब यहीं पे इसी को हम बोलते हैं, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है ना, वो साउदर्न पेनिनसुला में हिट करने के बाद दो रास्तों में बढ़ता है। एक को हम बोलते हैं अरेबियन बे ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून, और एक हमारा हो जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून जो हमारा जाएगा ना, इसी से हमारा बिहार में पानी होता है। कैसे? अब ये जो है, इसका वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बिना इसके मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है बताने का। ये बे ऑफ बंगाल तो हम बारी बारी से देखते हैं। पहले हम बात करेंगे अरेबियन बे ऑफ अरेबियन सी वाला, कि ये ब्रांच क्या करता है। ये जो अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है ना, ये हमारा उठेगा, वेस्टर्न घाट से टकराता हुआ जाएगा, जाएगा ऊपर, और जैसे ही ऊपर जाता है और जब ये हमारा इंड होता है वेस्टर्न घाट, तो फिर वो आगे बढ़ता है सेंट्रल इंडिया में। अब सेंट्रल इंडिया में आएगा तो हमको पता, हमें पता है तो हमें पता है कि सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे अगर देखें आप, तो दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा यहाँ पे है विंध्या, और यहाँ पे सतपुरा, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, और यहाँ पे एक लंबा सा यहाँ पे ऐसे है मैकाल रेंज। ठीक है, तो होता क्या है कि अरेबियन सी वाला जो हमारा मानसून है ना पार्ट, वो यहाँ से उड़ता है और विंध्या और सतपुरा के बीच में जाके इंट्रैप हो जाता है, और यहाँ पे मैकाल भी इसको ब्लॉक कर देता है टकरा के, और वहीं पे हैवी रेनफॉल कर देता है। तो ये अरेबियन सी वाला पार्ट जो है ना, ये सतपुरा मैकाल और यही सतपुर अविंध्या सतपुरा और मैकाल, इनके बीच में इंट्रैप होके हैवी रेनफॉल करता है, और यहीं पे हमारा क्या है, अमरकंटक प्लेटू है। तो अमरकंटक में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल करता है,
और कुछ पार्ट जो है यहाँ से फिर अरावली का जो हमारा ये वाला रेंज है ना यहाँ तक, कुछ पार्ट जो है यहाँ से उठ के जाएगा और ऐसे ऐसे यहाँ पे पंजाब हरियाणा दिल्ली साइड कुछ कुछ बारिश कर देगा अरेबियन साइड वाला। और चूंकि यहाँ पे अरावली रेंजेज है तो अरावली रेंजेज के उस पार हमारा क्या है, मरुस्थल है, तो वहाँ पानी नहीं करेगा, वो लीवर्ड साइड हो गया। इसीलिए हमारा अरावली रेंज एक ब्लॉकेज की तरह काम करता है। और यहाँ पे मेन रीजन भी है कि मरुस्थली हो जाता है राजस्थान में, वहाँ डेजर्ट है, वहाँ पानी नहीं होता, वो ऐसे में रेड एरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपको अरेबियन सी वाला बात। उसके बाद जो हमारा बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है ना, वो भी तो यहाँ से निकला है ना, तो 6 से 7 जून तक ये भी यहाँ पहुँच जाता है, और 6 से 7 जून तक ये भी यहाँ पहुँच जाता है। हमारा जो बे ऑफ बंगाल साइड वाला जो मानसून है ना, वो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट को हिट कर जाता है। अब थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बे ऑफ बंगाल साइड वाला यहाँ निकला है, अब ये जब ऐसे जा रहा है, बे ऑफ बंगाल साइड वाला ऐसे जा रहा है यहाँ पे, तो हमें पता है कि ये हिमालय का ये रेंजेज है ना, जो तीन हमारा हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक है, और यहीं पे एक पार्ट आता है अराकन योमा एक्सटेंशन जो है ना इसका, ऐसे लंबा है, म्यांमार तक गया है ना ये अराकन योमा, और यहाँ पे तो हमारा रेंजेज है इसका, हमारा इंडिया ये शिवालिक का जो हमारा ये सोमेश्वर रेंज से पास होता है बिहार में, ये वाला रेंज है ना सोमेश्वर रेंज। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि ये तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे भी जब बे ऑफ बंगाल साइड से पानी जाता है, हवा जाता है, तो इससे ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रेन और ज़्यादा कैरी करता है। अरेबियन सी में जितना पानी था ना, जितना वो कंटेंट लेके बढ़ा था, उससे ज़्यादा वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है ना बे ऑफ बंगाल साइड वाला जो मानसून होता है ना वो होता है। अब यहाँ से ये पानी लेके उठा, और पानी लेके उठने के बाद ये हमारा आएगा, हिट करेगा इस वाले रीजन पे, नॉर्थ, हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना इधर आपको, तो आप इसलिए देखे होंगे चेरापूंजी जो है ना मौसिनराम, वहाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बारिश करता है। यही हमारा ये वाला पार्ट, बे ऑफ बंगाल साइड वाला पार्ट। अब यही जो है वो उठ के हमारा घुसता है कहाँ, इधर से। अब ये घुस के इधर से ऐसे ऐसे आ रहा होगा, ऐसे ऐसे आता है वो। ठीक है, अब जब यहाँ से आता है तो यही बे ऑफ बंगाल साइड वाला जो मानसून का पार्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल हमारा ईस्टर्न बिहार में करता है। कहाँ पे, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, किशनगंज में होता है। क्योंकि अब जैसे जैसे वो इधर से इधर बढ़ेगा बिहार में और नॉर्थ से लेके साउथ में, पानी का जो कंटेंट है वो घटता जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि बादल यहाँ से जा रहा है तो हर समय उतना ही कंटेंट पानी है, वो पानी गिराता हुआ जा रहा है, तो पानी ख़त्म भी तो हो रहा है उसका। इसलिए यहाँ तक किशनगंज से आगे आगे बढ़ते 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 जब इधर आता है और वहाँ नॉर्थ से साउथ में आता है, तो हमारा जो है पानी का कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए ईस्टर्न पार्ट में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, और प्लस ये तराई का रीजन जो है हमारा ये वाला पार्ट ना, जो हिमालय से सटा हुआ है, वहाँ भी ह्यूमिड क्लाइमेट है थोड़ा, तो यहाँ भी अच्छा खासा बारिश हो जाता है। और ये वेस्टर्न चंपारण जो पार्ट है ना, ये वाला वेस्टर्न चंपारण हो गया, ईस्टर्न चंपारण वाला पार्ट, ये वाला भी पार्ट। और इधर की अगर हम बात करें तो अब देखिए, ये बे ऑफ बंगाल साइड वाला जो है वो ईस्टर्न घाट जो है ना हमारा इधर ये साइड वाला, इसको टच करके वो आगे बढ़ता है। अब ईस्टर्न घाट जो है वो हमारा कंटिन्यूस भी नहीं है जैसा कि वेस्टर्न घाट है, और उतना एलिवेटेड भी नहीं है जितना कि हमारा वेस्टर्न घाट है। तो होता यह है कि इसको क्रॉस करके हमारा जो मानसून है ना बे ऑफ बंगाल साइड वाला, वो इस वेस्टर्न ईस्टर्न घाट को क्रॉस करके उत्कल हो गया और भी रीजन को क्रॉस करके ये पहुँचता है छोटा नागपुर प्लेटू तक। और छोटा नागपुर प्लेटू चूँकि अपलिफ्टेड एरिया है, वहाँ पे जाके हैवी रेनफॉल कर देता है, ये हैवी रेनफॉल कर देता है यहाँ कहाँ पे, छोटा नागपुर एरिया में। इसीलिए जो बिहार का जो ये वाला पार्ट है ना, इधर भी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट मिल जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ दिया है कि ये वाला यहाँ से यहाँ जो पार्ट है ना, वहाँ पे थोड़ा सा जो क्लाइमेट है वो आ जाता है आपको ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का, क्योंकि यहाँ तक इसका इफेक्ट पड़ जाता है छोटा नागपुर प्लेटू का। लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे तो CWA लिखा है, ये कोपेंस क्लासिफिकेशन है जो हमने वहाँ पर तीन ज्योग्राफर का नाम लिखा है। अब ये हमारा होता है ट्रॉपिकल मानसून, और ये होता है हमारा सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड, यानी कि मानसून के कारण जो ह्यूमिडिटी हमारा बनता है ना थोड़ा बहुत इस नॉर्थ बिहार में। और चूंकि ये रीजन भी हमारा सब ट्रॉपिकल है, क्यों? क्योंकि 23 डिग्री पे तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और 23 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो वो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो बिहार का लैटिट्यूड अगर आप देखोगे ना, तो 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट तक है, तो ये हमारा क्या है, 23 डिग्री से ऊपर है ना, यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन में आ गया। इसलिए ये जो हमारा है ना, ये सब ट्रॉपिकल जोन, इसको CWA बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कोपेंस क्लासिफिकेशन नाम दिया गया इसमें जो क्लाइमेटिक टाइप है। क्लियर है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर ये लिखा है। अब ये तो क्लियर हो गया हमें
कि हमारा जो हम बिहार में जो बारिश हो रहा है वो किससे हो रहा है, बे ऑफ बंगाल साइड वाले से पानी हो रहा है। अब इसी को थोड़ा सा हमको और समझना होगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, बे ऑफ बंगाल तक। अब हम बिहार तक पहुँचा दिए हैं बारिश को, अब हम पढ़ेंगे बिहार का, ठीक है। अब देखिए, बिहार में भी हम बात करें तो यही हमारा तीन चार चीज़ें जो मौसम बताया ना पूरे इंडिया में, वही हमारा यहाँ पे भी होता है, ठीक है। देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो बे ऑफ बंगाल साइड वाला इधर इंटर किया है, तो समर सीजन में क्या होता है कि जैसे ही वो हमारा ITCZ यहाँ बीच में पहुँच गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, तो ये जो है कंपेरेटिवली यहाँ पे तो हाई प्रेशर हमारा होता है, यहाँ पे तो लो प्रेशर होता ही है क्योंकि टेम्परेचर हाई है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लैंड, जो हमारा वाटर बॉडी है ना बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, थोड़ा सा हाई प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। इसलिए गर्मी में क्या होता है कि यहाँ से कुछ हवा निकलता है, इसको प्री मानसून विंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बे ऑफ बंगाल साइड से निकलता है हवा और ईस्टर्न बिहार में यहाँ पे थोड़ा बारिश करता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्वेस्टर, ठीक है ना, नॉर्वेस्टर। और इसी को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है हमारा, आपको यहाँ पे जो रबी क्रॉप्स है ना, जैसे मैंगो हो गया, और मतलब रबी क्रॉप्स हो गया प्लस मैंगो और लीची वगैरह हो गया, उनके ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प कर देता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिहार में। तो बिहार में भी हॉट ड्राई समर होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है, रिट्रीटिंग मानसून होता है और ड्राई विंटर होता है। मंथ सबका दिया हुआ है, मार्च से लेकर मई तक ये होता है, मई से लेकर ये जून से लेकर सितंबर तक साउथ वेस्ट मानसून होता है, जहाँ बारिश होता है। उसके बाद रिट्रीटिंग मानसून होता है, जब वो रिट्रीट करता है हमारा। उसके बाद हमारा होता है कोल्ड ड्राई विंटर, दिसंबर से लेकर फरवरी तक। अब इन चारों में कुछ कुछ ज्योग्राफिकल फेनोमेना होते हैं जो कि हमको देखना होता है। पहले देखते हैं हॉट ड्राई समर में क्या होता है। हॉट ड्राई समर में ITCZ बीच में आ गया है हमारा, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है नॉर्थ इंडिया में। यहाँ से क्या होगा, दो फेनोमेना होगा, एक तो हमारा होता है ईस्टर्न बिहार में और एक होता है वेस्टर्न बिहार में। कुछ कुछ फेनोमेना होता है, क्या होता है, चूँकि यहाँ पे हमारा क्या है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, तो यहाँ से अब चूँकि यहाँ तो हमारा कोई समुद्र है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, ड्राई विंड होता है, काफ़ी ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म होता है। अब ये हवा जो है वो बढ़ते हुए है, मूव सर्कुलेट करते रहता है, और यही जो है मेन कारण बन जाता है हमारा लू का बन जाता है। तो गर्मी के दिनों में यही हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है ना ये वाला, इधर काफ़ी ज़्यादा लू का इफेक्ट होता है। क्यों होता है वो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन ITCZ यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में होता है, बना होता है। और साथ ही साथ जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे नॉर्वेस्टर के कारण बारिश होता है, जो हमारा बंगाल का डेल्टा व आसाम ये वाला एरिया है ना, वहाँ के कारण कुछ हमारा कंपेरेटिवली हाई प्रेशर जोन बन जाता है बे ऑफ बंगाल में। अब यहाँ से पानी उठता है और वो बारिश करता है झमाझम इधर, ठीक है, किशनगंज के साइड। तो ये हमारा वही कह रहा है, हॉट ड्राई समर में हमने वही लिखा है। अब इस हॉट ड्राई समर में एक फैक्ट कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड किया गया है वो है गया जिला, सबसे ज़्यादा गया जिला में अभी तक हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 47 डिग्री के आसपास, सेल्सियस के आसपास। तो ये हमारा हो गया हॉट ड्राई समर में। तो आपको दो चीज़ याद रखना है, ईस्टर्न पार्ट में इसी समय हॉट ड्राई समर में ही हमारा नॉर्वेस्टर होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मैंगो और लीची के उगने में और राइपनिंग में, पकने में। और हमारा इधर जो वेस्टर्न पार्ट है ना, साउथ वेस्ट बिहार या फिर वेस्टर्न बिहार, इधर इधर हमारा लू चलता है काफ़ी ज़्यादा, और उसकी रफ्तार होती है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बेसिकली ये डस्ट स्टॉर्म होता है और नॉर्वेस्टर जो होता है वो थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली भी कड़कता है और उसके कारण पानी भी होता है। इसके बाद आता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून। तो जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि हमारा बे ऑफ बंगाल साइड से मानसून होता हुआ छोटा नागपुर के पठार जो अपलिफ्टेड एरिया मिलता है वहाँ हैवी रेनफॉल करता है, और कुछ हद तक यहाँ भी हमारा पानी हो जाता है, जो कि जमुई नवादा बांका वाला एरिया हो गया, ठीक है। इसमें वही कह रहा है साउथ वेस्ट मानसून में क्या होता है कि लो प्रेशर क्रिएट हो गया यहाँ पे एंड बे ऑफ बंगाल साइड से बारिश हो गया। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, किशनगंज में। अब देखिए, अब जब हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पानी हो गया, अब क्या है कि सन का मोमेंट, अपारेंट मोमेंट चेंज हुआ है। अब सन जो है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से कैंसर से कहाँ आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, वो अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरह शिफ्ट करेगा। अब जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरह शिफ्ट करेगा ना, तो हमारा पूरा प्रेशर बेल्ट ही शिफ्ट करेगा उधर, यानी कि लो प्रेशर जोन अब उधर क्रिएट होगा। अब इंडिया में हमारा हाई प्रेशर जोन क्रिएट होना शुरू होगा। अब जब ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट होना शुरू होगा तो रिट्रीटिंग मानसून जो है ना, इसको वो हेल्प कर देगा, ये जो हाई प्रेशर है ना उसको और ढकेलेगा, हवा को, रिट्रीटिंग मानसून को और ढकेलेगा और ढकेलेगा, तो ये उस क्रम में नीचे आएगा। तो यही रिट्रीटिंग मानसून दिया अक्टूबर से नवंबर में। अब जैसे ही ये नीचे आएगा ना, तो कंपेरेटिवली यहाँ पे क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है,
ठंडा हो रहा है, तो कोल्ड एयर जो हमारा इधर नॉर्दर्न पार्ट में जो है ना हमारा, या फिर सेंट्रल इंडिया में, वो डिसेंड करके इधर और आता है, तो इधर वो नॉर्थ वेस्टर्ली जो हवा है ना वो और ज़्यादा हेल्प करता है रिटेटिंग मानसून को स्पीड अप करने के लिए कि भैया तुम निकलो यहाँ से जल्दी। ठीक है, ये हम रिटेटिंग मानसून के बारे में हो गया। अब इसमें दो फिनोमेना होकर होता है। पहला है कि मानसून डायरेक्शन रिवर्स्ड। क्यों होता है रिवर्स? क्योंकि अब यहाँ पे हाई प्रेशर जोन हो रहा है, तो अब हवा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो अब यहाँ से हवा जो है नीचे की ओर बहना शुरू होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, नॉर्थ वेस्टर्ली स्टार्ट्स कमिंग टुवर्ड्स प्लेन। अब चूंकि ये हमारा क्या है, हमारा ये हिली एरिया है ना, हिमालय का रीजन है, इसके ऊपर भी ये चिली एरिया को रोका हुआ है, लेकिन चूंकि तापमान कम हो गया है तो कोल्ड एयर भारी होता है, डिसेंड करता है नीचे, डिसेंड करेगा तो ये उसको रिट्रीट करने में हेल्प करता है। प्लस वाइल्ड रिट्रीटिंग पासेज ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड कम्स मॉइस्चर। अब इसमें होता क्या है कि जब यहाँ से हवा निकल रहा है ना, तो जब ये हवा नीचे आता है रिट्रीटिंग मानसून, अब जब ये नीचे आएगा तो बे ऑफ बंगाल साइड से भी होते हुए आता है। अगर आप देखो इसको, एक और फिगर मैं बना देता हूँ, ये मान लो कि यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, ठीक है ना, यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, तो ये बे ऑफ बंगाल साइड से आ रहा है ना, तो यहाँ से पानी उठाएगा और लौटते वक्त तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल करता है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में इसलिए इसको बोलते हैं विंटर रेनफॉल, क्योंकि रिट्रीट करते वक्त बे ऑफ बंगाल से काफ़ी ज़्यादा पानी को उठा लेता है वो। ठीक है, तो ये हमारा रिट्रीटिंग मानसून हो गया। अब यहाँ देखिए, अब जब रिट्रीटिंग मानसून जो है ना, जैसे ही वो नीचे वो आना शुरू होता है, तो इस समय वो बहुत ज़्यादा फेवर करता है किसको, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह को। साइक्लोन जो है वो दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। सबसे ज़्यादा डिवेस्टेटिंग कौन होता है? टेम्परेट। क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो बेसिकली हमारा मुआशर पे डिपेंडेंट होता है, चूंकि धरती पे मुआशर होता नहीं है, इसलिए ये समुद्र तल तक आते 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 थे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट 100-200 किलोमीटर से दिखता है, इसलिए हमको बिहार में ट्रॉपिकल साइक्लोन का इफेक्ट दिख जाता है ये साइड वाले एरिया में। ठीक है, टेम्परेट जो होता है वो अपर एरिया, अपर लेटिट्यूड में होता है, 30 से 45 डिग्री, वो जो है वो हमारा चिलिंग इफेक्ट लाता है, मोर डिवेस्टेटिंग होता है, उनको जो है वो धरती से और पानी से कोई मतलब नहीं है, वो बस टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसके बारे में। तो रिट्रीटिंग मानसून में आप दो चीज़ याद रखिएगा, रिट्रीटिंग मानसून में तमिलनाडु में रेनफॉल होता है, इसको हम लोग विंटर रेनफॉल कहते हैं, और ये जो है वो साइक्लोन फॉर्मेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। ठीक है, अब हमारा आता है कोल्ड ड्राई विंटर। इसमें क्या होता है कि अब हमारा जो ITCZ है वो नीचे आ गया, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अब हमारा सूर्य आ गया, यानी कि लो प्रेशर जोन अब साउदर्न हेमिस्फेयर में क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पे अब हाई प्रेशर जोन है, तो हाई प्रेशर जोन है इस कारण से हवा यहाँ से यहाँ नीचे मूव करेगा। अब इसी के कारण क्या होता है, यहीं पे एक रोल आता है हमारा जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम क्या होता है कि जब भी हमारा कोल्ड एयर और हॉट एयर जब मिलता है ना, तो एक परपेंडिकुलर स्ट्रीम राइज होता है, जो मूव करता है हमारा अपर लेयर पे, ट्रोपोस्फेयर के अपर लेयर में। तो जेट स्ट्रीम कहाँ से कहाँ फ्लो करता है हमारा, तो जेट स्ट्रीम जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर में फ्लो करता है। ट्रोपोस्फेयर कितना है हाइट, मुश्किल से 16 से 18 किलोमीटर होता है, तो उसमें हमारा जेट स्ट्रीम मूव कर रहा है। अब जेट स्ट्रीम जो है हमेशा हमारा वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है। अब ये जो इसका मेन फॉर्मेशन का कारण क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ज़्यादा होगा तो वो और हाइट पे होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो वो नीचे होगा। तो समर में क्या होता है, समर में भी हमारा जेट स्ट्रीम जो होता है बनता है, लेकिन चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो बहुत हाइट पे होता है, उसको उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है हमारा। होता है सोमालियन जेट वगैरह होता है जो कि उसको फेवर करता है इंडियन मानसून को। अलीना हो गया, लालीना हो, बहुत है चीज़ें यार, फिर कन्फ्यूज हो गया आप। खैर अभी इतना छोड़िए, अभी कोल्ड ड्राई विंटर में क्या होता है कि इतना तो पता है कि जब हमारा ठंडा है तो तापमान कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर जब कम होता है ना, तो पोलर जो ये जो हमारा जेट स्ट्रीम है ना, वो उसका हाइट नीचे आ जाता है, यानी कि वो नीचे से बहना शुरू होता है। समर में जेट स्ट्रीम हाइट पे होता है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है। ड्राई विंटर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर कंपेरेटिवली बहुत लो होता है, इसलिए जो जेट स्ट्रीम है बहुत कम हाइट पे बहता है। अब वो कम हाइट पे बहेगा ना, इसके कारण जब वो वेस्ट टू ईस्ट मूव, और ये बहता है कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट बहता है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर बहने में उसको मिलता है हिमालय। अब हिमालय को इनकाउंटर करके वो दो भाग में बढ़ता है, एक तो जाता है हिमालय के ट्रांस में साइड उस साइड में, और एक आता है हिमालय के अंदर वाले साइड में। तो जो अंदर वाले साइड में आता है उसको वो हमारे नॉर्थ इंडिया में घुसता है। अब यही जो हमारा जेट स्ट्रीम है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, काफ़ी ज़्यादा चिली विंड हमारा लाता है, जो कि पूरा नॉर्थ इंडिया अफेक्टेड रहता है चिली विंड से।
और कहीं कहीं कुछ हद तक बारिश भी कर देता है ठंडे में। वो क्यों करता है? क्योंकि जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है ना, तो ये सेंट्रल एशिया से होते होते मेडिटेरेनियन सी से मुहासे कंटेंट उठाते हुए आता है और बारिश कर देता है। ठीक है, तो ये आपको एक फैक्ट हो गया किसके बारे में, ये हमारा हो गया कोल्ड ड्राई विंटर में कैसा होता है। तो अगर बिहार में बात करें तो बिहार के पर्सपेक्टिव से वो क्या है कि यहाँ पर CW एंड AW दो तरह के क्लाइमेट हमको मिलते हैं। साउदर्न बिहार में बेसिकली AW ट्रॉपिकल मानसून टाइप होता है और CWS सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, क्योंकि मानसून के इफेक्ट के कारण थोड़ा सा यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट हमारा बन जाता है। और चूंकि ये पूरा नॉर्थ बिहार जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में है, 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट तक, इसलिए इसको CWA हम कहते हैं, जो कन्वेंशन है अकॉर्डिंग टू कोपेंस क्लासिफिकेशन। ठीक है, बिहार का जो अगर हम पूरे बात करें तो ये हमारा साइड ईस्टर्न पार्ट है वो ह्यूमिड रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल है, ऊपर हमारा हिमालय है जो चिली विंड से हमको बचाता है, साउथ में हमारा प्लेटू ऑफ झारखंड रीजन है और यहाँ पे हमारा कंटिनेंटल विंड चलता है जो मॉइस्ट रीजन ऑफ यूपी है, थोड़ा सा ये भी नॉर्थ इंडिया का इफेक्ट हमको मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया पूरा बिहार के बारे में कि बिहार में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बारिश होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, प्लस में एक चीज़ और याद रखिएगा, रिट्रीटिंग मॉनसून जो है वो हमारा साइक्लोन फॉर्मेशन में हेल्प तो करता ही है, साथ ही साथ वो जो है इस हथिया नक्षत्र जो बढ़ता है ना हमारा अक्टूबर से नवंबर के बीच में, इस हथिया नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा ये हमारा हेल्प करता है जो थोड़ा बहुत बारिश आता है, जैसे कि रबी क्रॉप स्पेशली पैडी को ग्रो करने में या कल्टिवेट करने में बहुत पकने में बहुत मज़ा ये हेल्प देता है। तो ये हमारा हो गया क्या पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी ऑफ बिहार के बारे में। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, कंसेप्चुअल काफ़ी ज़्यादा था ये। इसमें हमने इंडियन मॉनसून को भी डिस्कस किया कि इंडियन मॉनसून कैसे होता है, हमें किसके साइड से कहाँ कहाँ कैसे मिलता है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए डिले हो गई, कोशिश करूँगा जल्दी डालने का। कुछ डाउट हो तो पूछिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।